हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है आजाद तरुण। फ्रेंड्स, मैं आपको अपने चैनल पर रेगुलर बेसिस पर एमबीए पीजीडीएम प्रोग्राम्स रिलेटेड मैं आपको सारी कॉलेजों के बारे में पूरा डीपली बताते जा रहा हूँ। और भी मतलब स्टूडेंटों को जो भी डाउट रहता है तो मतलब नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मतलब कहीं पर भी मेरे से हेल्प ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एमबीए पीजीडीएम मतलब दिल्ली एनसीआर के लगभग मैं सारे कॉलेजेस कवर कर चुका हूँ ग्रेटर नोएडा के। हम उसी में एक सेकेंड सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है दिल्ली की। दिल्ली में सबसे पहला कॉलेज हमारा आईएमएम हो गया है, वहीं पे हम एक कॉलेज फिर से लेके आए हैं। तो कॉलेज का नाम है एफआईआईबी, जिसको फॉर्च्यून के भी नाम से जाना जाता है मोस्टली। अगर जैसे कि मैं बात करूं तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा अगर प्रेफर जो करते हैं कॉलेज को दिल्ली एनसीआर में, तो पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए अगर जैसे कि मैं बात करूं तो हर स्टूडेंट का कंसर्न जो रहता है ना प्लेसमेंट को लेकर रहता है। तो दिल्ली एनसीआर में ऐसा कौन सा कॉलेज बेस्ट है जो कि मतलब 10 लाख से 11.5 लाख के आसपास में एवरेज प्लेसमेंट क्लेम करता है, जिसकी फीस भी सेम रहती है। तो लगभग हम उसी कॉलेजेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा कॉलेज है, क्या है कॉलेज की फीस, क्या है एस्टैब्लिश्ड ईयर, क्या है किससे अफिलेटेड है कॉलेज में, आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन है, तो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉलेज का नाम बता देता हूँ। कॉलेज का नाम है एफआईआईबी, जो कि आपका लोकेटेड है आपका बसंत बिहार में, मतलब दिल्ली में आपका लोकेटेड है। फ्रेंड्स, यहीं पर मैं कॉलेज की बात करूं तो आपका जो एक्रेडिटेशन मिला हुआ है कॉलेज को, एक्रेडिटेशन एआईयू का, एनबीए का एंड एआईसीटी, और यहाँ पे देखोगे तो आपको एएससीएसबी का भी देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर्च्यून के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि अगर यहाँ पे मैं एक्रेडिटेशन की मैं बात करूं तो एनबीए का भी एक्रेडिटेशन, एआईसीटी का भी है और एनआईयू का भी, एआईयू का भी है। तो फ्रेंड्स, एआईयू का मतलब आप भी सभी जानते हैं, एआईयू का यानी कि अगर आप यहाँ से पीजीडीएम प्रोग्राम अगर आप करते हैं तो इक्वल वैलेंट टू एमबीए की जो डिग्री रहती है आपकी। यहीं पे कॉलेज की अगर मैं अफिलिएशन की मैं बात करूं तो अफिलिएशन आपका प्राइम से भी है, एजेयू यूनिवर्सिटी से भी है और आरआरबीएन से भी है। फ्रेंड्स, और यहीं पे जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी है काफी सारी कंपनियों के साथ एंड इसका यूनिवर्सिटियों के साथ भी यहाँ पे इंटरनेशनल कनेक्शन भी है, जो कि आप अगर जैसे कि मैं आईबीयू का भी नाम सुना होगा आपने, इसके साथ भी इसका कनेक्शन है। और यहाँ पे पुत्रा बिजनेस स्कूल भी हो गया तो इसके भी साथ भी है, एएमआईएसटी भी है इसके साथ भी है, जो कि आपको सारे स्क्रीन पर शो कर रहे होंगे, जिसके साथ इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी है। फ्रेंड्स, चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी रैंकिंग के बारे में। तो कॉलेज की क्या रैंकिंग रहती है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो दिल्ली अगर दिल्ली में अगर हम बात करें सबसे पहले तो थर्ड नंबर पर ये कॉलेज आता है रैंकिंग वाइज अगर देखें। और पूरा दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो 9वें नंबर पर आपका ये कॉलेज आता है। पूरे इंडिया में अगर जैसे कि मैं बात करूं तो 46 नंबर पर इसको रैंकिंग मिली हुई है। फ्रेंड्स, अगर आप रैंकिंग वाइज अगर कॉलेज इसको देख रहे हैं तो रैंकिंग बहुत बढ़िया मिली हुई है, बट मैं प्रिफली हर वीडियो में आपको बताता हूं कि कॉलेज वाइज अगर रैंकिंग वाइज अगर आप कॉलेज देख रहे हैं तो रैंकिंग वाइज अगर आप देख रहे हैं तो रैंकिंग इतना मैटर नहीं करती है जितना कि कॉलेज का प्लेसमेंट हो गया, ये मैटर करता है कि क्या है क्या नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी थर्ड पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि इसमें स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी है। तो स्पेशलाइजेशन में आपको यहाँ पे मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, ऑपरेशन हो गया और पीजीडीएम एफएम हो गया। तो ये स्पेशलाइजेशन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहीं पे अगर जैसे कि मैं बात करूं तो आपकी जो कोर्स की जो फीस रहती है, कोर्स की फीस 10,10,000 के आसपास इसकी फीस रहती है अराउंड में, ये फीस आपकी घटती बढ़ती रहती है, लेकिन इस बार की अगर मैं बात करूं तो आपकी 10,10,000 रुपए कॉलेज की फीस रहती है। फ्रेंड्स, यहीं पे अगर जैसे कि मैं बात करूं प्लेसमेंट को लेके, तो प्लेसमेंट को लेके हर स्टूडेंट का कंसर्न रहता है कि क्या प्लेसमेंट है आपको। अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च कर रहे हैं, कहीं पर भी सर्च कर रहे हैं, तो रियलिटी आप अगर जितना भी सर्च करोगे तो उतना ही आप कंफ्यूजन में होते जाओगे, कभी कुछ दूसरे चैनल पर कुछ दिखाता है, कभी किसी पर कुछ दिखाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे जाके प्लेसमेंट चेक करिए, फिर आप लिंक्डइन पे जाके वहां के स्टूडेंटों से बात करिए, आपको जेन्युइन रिव्यू मिलेगा। फ्रेंड्स, वहां पे यहां पे अगर आपको कुछ भी रिव्यू भी लेना हो स्टूडेंटों के बारे में तो मैं अपने चैनल पे बता चुका हूं कि ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में अगर जितने भी स्टूडेंट है, जहां पर भी अगर मैं जो वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो बनाने से पहले मैं स्टूडेंटों से कनेक्शन बनाता हूं, ताकि वीडियो में अगर कोई भी किसी को भी हेल्प लेनी होती है तो मैं रिव्यू उसका दिलवा देता हूं स्टूडेंटों से। यहाँ पे अगर स्टूडेंटों से अगर आप रिव्यू लोगे तो रिव्यू में सेम कंसर्न वही रहेगा, आप किसी यूट्यूब पे सर्च करोगे तो कुछ नॉलेज मिलेगा, कहीं कहीं सर्च करोगे आपको दिन भर में बहुत सारे कॉलेज भी याद होंगे कि ये कॉलेज ऐसा है वैसा है, तो उन सब बातों में ना आके आप अपने रिसर्च पे ज्यादा गौर दें कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट में एंड आप जो स्टूडेंटों से कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनसे रिव्यू ले रहे हो वो जेन्युइन रिव्यू है। आप किसी थर्ड पार्टी से अगर बात करें तो वो क्या बोल रहा है उसकी बात पे बिलीव मत करिए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे जो जाता है करीब 8-8.5 लाख के आसपास में एवरेज प्लेसमेंट जाता है। यहाँ पे 8.5 लाख का जो एवरेज प्लेसमेंट टोटल ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो होते हैं 97% स्टूडेंट का 8.5 लाख एवरेज प्लेसमेंट जाता है। यहीं पे अगर जैसे कि मैं एवरेज प्लेसमेंट 20% में बात करूं तो 10.5 लाख का भी एवरेज प्लेसमेंट बहुत स्टूडेंट को यहाँ पे मिला है
और हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे आपको 25 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट मिला है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे प्लेसमेंट को भी लेके आपको दिक्कत है या फिर कोई भी डाउट आता है तो वो भी आप स्टूडेंट से या किसी से भी कोई भी हेल्प ले सकते हैं, जेन्युइन रिव्यू लेके आप प्रेफर कॉलेज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको इस कॉलेज के बारे में नेगेटिव पॉइंट मिल जाएंगे, नेगेटिव रिव्यू मिलेंगे, बहुत सारे लोग देते हैं नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है कॉलेज के बारे में, कॉलेज बढ़िया है बट लोग जैसा बोले वो ठीक रहता है। यहीं पे अगर जैसे कि मैं बात करूं तो यहाँ पर इंटर्नशिप की, तो इंटर्नशिप में आपको एवरेज जो स्टाइपेंड जो देखने को मिलता है तो वो करीब 15,000 रुपए का एवरेज देखने को मिलता है। और हाँ, यहाँ पे जो आपकी जो कंपनियां आती हैं, लाइक अगर जैसे कि मैं बात करूं कंपनियां यहाँ पे जो ट्रेनिंग के लिए आती हैं, कंसल्टिंग सर्विस जो प्रोवाइड होती है, तो वो यहाँ पे डावर जैसी हो गया और आपकी फिक्सिड हो गया, डावर हो गया और ओएलए हो गया, ये सारी कंपनियां आपको स्क्रीन पर शो कर रही होंगी। एक्सिस हो गया, ये सारी हो गई, विप्रो जैसी कंपनी आपको यहाँ पे, यमहा हो गई, तो ये कंपनियां आपको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। फ्रेंड्स जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे और भी करियर अपॉर्च सर्विस प्रोवाइड होती है, जैसे कि अगर मैं कुछ पॉइंटों की बात करूं तो करियर काउंसलिंग हो गया, नेटवर्क अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड होती है यहाँ पे, और करियर सर्विस इवेंट्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जॉब इवेंट्स भी हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट सपोर्ट आपका जो होता है वो सारा कुछ यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सब देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स यहीं पे अगर जैसे कि मैं बात करूं तो यहाँ पे हाँ मैंने कुछ यहाँ पे रिव्यू लिए थे स्टूडेंटों से, तो वो रिव्यू यहाँ पे मैंने लिए थे, पूरा डीपली सर्च किया था, तो या एवरेज प्लेसमेंट जो बताया था वो अप्रोक्स में जो वेबसाइट पे दे रखा है 8.5 के अप्रोक्स में, और मैंने स्टूडेंट से बात की तो कुछ मेरा थोड़ा सा यहाँ पे देखा तो वो कम लगा, लेकिन स्टूडेंटों से जो बात की वो, लेकिन उनको पूरा नॉलेज नहीं था। ब्रीफली क्या था कि वो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, तो ऐसा भी होता है कि आप जिनसे रिव्यू भी ले रहे हैं तो उनसे एक बार पूछ लीजिएगा कि किस मतलब बैच का बंदा, कैसा क्या है, कितना टाइम उसको हो गया, तो ये भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जिस बंदे को नॉलेज ना हो तो वो बहुत ही कम लोगों की बातों में आके उसको वही एवरेज प्लेसमेंट दिखाई देता है। तो प्लेसमेंट को लेके आप बहुत डाउटफुल रहते हो, तो प्लेसमेंट को लेके आप ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स यहीं पे अगर जैसे कि मैं बात करूं तो कॉलेज यहाँ पे आपका बहुत ही पुराना कॉलेज है, एस्टैब्लिश्ड ईयर, हाँ एक चीज और रह गई थी, एस्टैब्लिश्ड ईयर 1995 का ये कॉलेज है, यानी कि 29 साल इस कॉलेज को हो गए। फ्रेंड्स 29 साल इस कॉलेज को हो गए, इस कॉलेज ने इतना ग्रो किया है ना मार्केट में कि रैंकिंग वाइज अगर आप देखोगे तो रैंकिंग वाइज में भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी रैंकिंग मिली हुई है। फ्रेंड्स कुछ पॉइंट और रह गए हैं जो कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेसिंग को लेकर, तो एडमिशन प्रोसेसिंग के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब आप जानते हैं क्या होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड होता है, तो स्कॉलरशिप का मैं जो क्राइटेरिया होता है वो मैं बता देता हूँ कि आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होता है एंड आपने को एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसके बिहार पे भी मिलता है, लेकिन यहाँ कुछ एप्लीकेशन की डेडलाइन दे रखी होती है, जो कि फर्स्ट फेज में आपका बात करूं तो 15 जनवरी होता है, सेकंड में आपका 11 मार्च तक होता है, सर्कल आसपास में ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म, इतनी डेट रहती है, लेकिन बहुत जल्दी इस कॉलेज की सीट फुल हो जाती है, लेकिन क्या है ना आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जब भी आप तक मेरा वीडियो पहुंचा होगा तो हो सकता है कि डेट आगे पीछे हो जाए, तो लेकिन आप जल्दी से रिव्यू लेके देख लीजिएगा। यहीं पे फ्रेंड्स अगर जैसे कि मैं बात करूं, अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे फीस डिटेल्स के बारे में, तो फीस डिटेल्स में आपको यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो होती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको कितना रुपए जमा करना पड़ता है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 1 से 1.5 लाख के आसपास में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करनी पड़ती है। सिलेक्शन यहाँ पे आपको जेडीपीआई के यहाँ पे होता है, जेडीपीआई अगर आपने अच्छा दिया है तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन ठीक हो जाएगा, अदरवाइज आप किसी भी स्टूडेंट से या कैसे भी हेल्प ले सकते हैं, वहाँ की फैकल्टी से भी थोड़ा बहुत जान सकते हैं एडमिशन लेने से पहले, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे मैं आपको वीडियो लेके आता रहूंगा, अगर आपको भी वीडियो में कोई डाउट रहा हो या फिर कोई मिस्टेक रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पूरा नॉलेज मैं आपको पहली बार तो डीपली बता चुका हूं, और भी कोई इन्फॉर्मेशन डीपली जानना है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या फिर कोई और भी कॉलेज ऑप्ट करना चाहिए या फिर और भी मतलब जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, बहुत सारे डाउट रहते हैं जो कि मैं एक वीडियो में नहीं बता पाता हूं, तो वो आप मेरे से कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।